हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में ही बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, मैं इंस्टाग्राम पर जनरल टॉक्स विद छवि के नाम से हूँ। और मेरा रिव्यू चैनल है छवि अश्विनी कुमार, तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जल्दी जल्दी मेरे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मुझे करें। तो आज प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ वो है आपको न्यूड एक्सपोज योर सेल्फ नेचुरल हेयर इनहिबिटर, और ये बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने के पहले और आगे बढ़ने के पहले मैं आप सबको एक चीज बहुत जरूर बता दूंगी, क्योंकि आप सब मेरे फैमिली मेंबर हो और आप सबसे कुछ भी मैं नहीं छुपाती हूँ। स्पेशली जो मेरे ब्लॉगिंग चैनल हैं, उन मेरे जो ब्लॉगिंग चैनल पे हैं उनसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तो आप सबको मैं जरूर बता देती हूँ कि ये मेरा पीआर प्रोडक्ट है। लेकिन पीआर प्रोडक्ट पे आप लोग सोचोगे कि छवि पीआर प्रोडक्ट है इसलिए आप अच्छा बोल रहे हो, नहीं। मैं आज जिस मुकाम पर हूँ वो आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार की वजह से और भगवान के आशीर्वाद, माँ बाप के प्यार की वजह से उस मुकाम पे हूँ कि मुझे रोज 10 स्पॉन्सरशिप के मतलब मेल आते हैं। लेकिन आप यकीन माने, मैं उसी को पिक करती हूँ या फिर उसी प्रोडक्ट को मैं चूज करती हूँ जो मैं खुद को यूज कर सकती हूँ और जो मैं अपने बच्चों के ऊपर, खुद के ऊपर या फिर अपने फैमिली मेंबर को सजेस्ट कर सकती हूँ, वही प्रोडक्ट मैं लेती हूँ और वो प्रोडक्ट मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो इस बात का भरोसा रखें, और इतने साल का साथ है, 2 या 3 साल का साथ होने वाला है हमारा, तो इतना भरोसा तो आपको इतने साल में जरूर हो गया होगा कि छवि कभी भी कुछ गलत नहीं बताएगी। तो उस भरोसे के साथ आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये न्यूड का आपको एक्सपोज योर सेल्फ हेयर इन्वेटर। ये एक ऐसा, और मुझे लगता है ये मैं थर्ड टाइम जो है इस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ, और मैं इसलिए रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत बेहतरीन लगा है। तो देखिए, हम लोग फेशियल हेयर के लिए क्या करते हैं, मोस्टली जो हम फेशियल हेयर के लिए हम लोग यही करते हैं कि पार्लर में जाते हैं और जाने के बाद हम लोग वैक्स करा लेते हैं। लेकिन हम लोगों को लगता है क्या कि ये एकदम इजी सोल्यूशन है, या फिर रेजर यूज करते हैं। ये दोनों सॉल्यूशन हमें लगता है कि फेशियल हेयर को कम करने के लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन हम उस टाइम में वो हमें उस टाइम में तो इजी लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में वो हमारी स्किन के लिए सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, जब आप वैक्स कराते हो उसके बाद जब आपके जब 5 या 6 दिन तो बहुत हो गया भैया, 2-3 दिन में ही बाल निकलने शुरू हो जाते हैं और एकदम हार्ड निकलते हैं और उसका ग्रोथ जो है वो और डबल हो जाता है। यानी कि अगर आपके पूरे फेस के ऊपर, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि 10 बाल है, अगर आप वैक्स कराते हो उसके बाद आप देखते हो कि वैक्स कराने के बाद वो 20 हो जाते हैं या 30 हो जाते हैं, और जब आप बार बार वैक्स कराते हो अपर लिप्स का या फिर फेशियल हेयर का, तो आप देखोगे कि वो एरिया जो है आपके फेस का, वो एरिया जो है वो ब्लैक होने लगा है। ये वाला एरिया ब्लैक होने लगता है, ये वाला एरिया ब्लैक होने लगता है, वो खराबी करता है। लेकिन ये क्या करता है, नेचुरली आपके बाल को जो है वो जड़ से खत्म कर देता है। मैजिक एक बार में नहीं होता है। इसको लगाने का बड़ा सिंपल फंडा है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पहले आपको अपने बाल को हटाना पड़ेगा, जैसे कि आपको अपने अपर लिप्स के ऊपर, अगर आप चाहते हो कि अपर लिप्स के बाल आपके खत्म हो जाए या फिर यहाँ पे जो आपके फेशियल हेयर है वहां वो बाल खत्म हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको पहले वैक्स कराना है। बिना वैक्स किए हुए इसको यूज नहीं करना है, तो पहले आप वैक्स कराए। वैक्स करा के जहां आप आते हो तो क्या होता है, आपके पोर्स जो है वो ओपन रहते हैं, तो आप वैक्स करा के आओगे, उसके बाद अच्छे से अपने फेस को आप वॉश कर लोगे। वॉश करने के बाद आप क्या करोगे, इसको अपने पूरे फेस पे, देखो इसकी पैकेजिंग वगैरह जो है कुछ ऐसे पैकेजिंग में आती है, मैं पैकेजिंग आपको दिखलाना भूल गई, सॉरी टू से। आपको अपने फिंगर में या फिर ये देखिए आप देख रहे हो ना, ऐसे आपको ले लेना है। उसके बाद जहां कहीं भी आपको वैक्स कराए हो, यहाँ आप कराए हो या फिर यहाँ कराए हो, कहीं भी जिस दिन वैक्स कराते हो उसी दिन से आपको शुरू करना है। पूरे कराए हो या फिर यहाँ पर कराए हो, तो आपको क्या करना है, फिंगर में लेना है और आपको लगा लेना है। कैसे क्रीम आप लगाते हो वैसे ही आपको लगा लेना है। लगा लोगे जैसे क्रीम लगाते हैं वैसे ही आप क्रीम लगा लोगे, उसके बाद छोड़ दोगे। अब आपके दिमाग में होगा कि छवि इसको लगा करके मैं इसके ऊपर क्रीम लगाऊं या फिर इसको लगा करके मैं ऑफिस जा सकती हूँ या फिर बाहर कहीं जा सकती, आराम से आप जा सकते हो। इसको आप अपने जहां पे भी आपको लगाना है, पूरे फेस पे आपको नहीं लगाना है, अपर लिप्स के ऊपर या फिर यहाँ पर कहीं, जहाँ कहीं भी आपको फेशियल हेयर हो, जहां का भी आप वैक्स किए हो उसके ऊपर आपको लगा लेना है। हाफ एन आवर छोड़
छोड़ देना है, हाफ एन आवर तक कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर आपको कोई क्रीम नहीं लगाना है। जब हाफ एन आवर हो जाता है उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी क्रीम आप यूज कर सकते हो। ये क्या होगा हाफ एन आवर के अंदर कि ये आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा और उसके ऊपर अगर आप कोई भी क्रीम लगाते हो तो वो हार्म नहीं करता है, कोई भी क्रीम लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कम से कम 30 मिनट आपको अपने इसको लगाने के बाद 30 मिनट तक आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, मतलब उसके बाद ऊपर आपको कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यही चीज आपको मॉर्निंग में करना है, यही चीज आपको नाइट टाइम में करना है, यानी कि दिन में दो बार करना है। ये करना है 7 डेज तक, यानी कि जब भी आप वैक्स करते हो या फिर रेजर यूज करते हो उसके साथ उसके बाद कंटिन्यू 7 डेज तक आपको इसको अपने जहां कहीं भी आपको लगाना है वहां पे आपको लगा लेना है। आफ्टर 7 डेज आपको छोड़ देना है। फिर जब आप वैक्स करते हो तो फिर से 7 डेज आपको लगाना है, यानी कि ये प्रोसेस जो है 3-4 महीने तक कंटिन्यू आपको करना है। आप जब देखोगे कि उसके बाद जब आपके बाल जो निकलते हैं, रेजर उसके बाद भी आपको यूज करना है या फिर आपको फेशियल हेयर यहां पर जहां कहीं भी आप रेजर लगाते हो या फिर वैक्स कराते हो, जब भी आप वैक्स कराते हो तब तो आपको ये चीज 7 डेज तक यूज करना है। 7 डेज उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे ना कि जो आपके हेयर ग्रोथ थे, जब आप वैक्स कराते थे तो आपके बाल 20 निकलते थे, तो धीरे धीरे देखोगे 20 से वो 10 हो गए, 10 से वो 5 हो गए, 5 से वो 3 हो गए और धीरे धीरे आपके फेशियल हेयर निकलने बंद हो जाएंगे। यानी कि एक ऐसा इजी प्रोसेस जो कि आपकी स्किन से आपके फेशियल हेयर को हमेशा के लिए हटा देगा। हो सकता है किसी के ऊपर 3 महीने में काम कर दे, किसी के ऊपर 6 महीने में, या फिर किसी के ऊपर 5 मंथ, 6 मंथ या 7 मंथ भी लग सकता है, लेकिन एक बार आपके फेशियल हेयर आने बंद हो गए तो होल लाइफ के लिए फेशियल हेयर आने आपके बंद हो जाएंगे। प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है लेकिन 100% इफेक्ट देता है, ठीक है। एक बार में मैजिक नहीं होगा कि आप जाकर के लेजर ट्रीटमेंट अगर कराते हो तो एक बार में मैजिक होता है, नहीं होता है। उसके लिए भी आपको सिटिंग लेनी पड़ती है 5 बार, 6 बार, 7 बार। और बहुत ऐसे मैं अपनी फ्रेंड को देखी हूँ जो लेजर ट्रीटमेंट शुरू तो करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते क्योंकि उनकी स्किन पे उसके बाद परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन वो सब परेशानी आपको इसके साथ नहीं होने वाला है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आता है। इसलिए मैं मुझे लगता है कि मैं अपने चैनल पे 3rd टाइम इसका रिव्यू कर रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन है। बस सबको सब कुछ सूट नहीं करता है तो पहले आपको पैच टेस्ट करना है, देखना है आपकी स्किन के ऊपर ये सूट किया या नहीं किया। 24 आवर्स तक आप लगा करके देखें, अगर कोई स्किन पे जलन, रैसेस और खुजली नहीं होती है तब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लग गया हो, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक और शेयर कर सकते हो। कुछ भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं बताना भूल गई हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब भी फ्री रहूंगी आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपकी उम्र 18 इयर्स की हो गई यानी कि 18 साल की हो गई है तब आप इसे यूज कर सकते हो, उससे छोटे इसे यूज ना करें। इसके लिंक वगैरह जो भी है सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जा सकते हो या फिर एज यू विश, आपकी मर्जी, आप जहां चाहे सर्च करें, जहां भी ये उपलब्ध हो आप ले सकते हो, लेकिन ये ऑनलाइन ही उपलब्ध है। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।